देखिए, मैं सिलीगुड़ी से शुरू करके हिमाचल पर आता हूँ। सिलीगुड़ी का जो मामला है बेसिकली, उसमें गिरिराज सिंह का बयान आएगा। देखिए, जब बिहार का मामला होगा तो भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह बोलेंगे, उस समय तेजस्वी वहाँ जिक्र ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बम्बई में कोई सा मामला होगा तो उस समय तेजस्वी यादव बोलेंगे, उस समय गिरिराज सिंह नहीं बोलेंगे। अपनी अपनी राजनीति है। इंडिया और इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है, जो दलों की जिनको जो राजनीति सूट करती है, उस समय वो बयान देते हैं। अब ये तो राज ठाकरे का बिहार बंगाल संस्करण है, जिस व्यक्ति ने जो किया है। राज ठाकरे जो उत्तर प्रदेश के लोगों, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में करते थे कि भैया रेलवे की परीक्षा देने यहाँ क्यों आते हैं, बैंक की परीक्षा देने क्यों आते हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्वाचित इलाका जब घोषणा पत्र बना था स्थापना दिवस पर, तो उसमें पहली घोषणा तो राज ठाकरे ने यही की थी कि उत्तर भारतीयों को मैं बम्बई के अंदर बसने नहीं दूंगा, वो पूरे महाराष्ट्र में जाके बसे। जो नासिक के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सिन्हा की पहली कॉरपोरेशन बनी, जहाँ उनका जब मेयर बना, तो मेयर में इस बात का प्रस्ताव पास किया नासिक नगर निगम के अंदर कि यहाँ उत्तर भारतीयों को हम दुकानें नहीं लगा देंगे स्ट्रीट के ऊपर। जो उत्तर भारतीय होंगे वो नासिक के अंदर दुकान लगाने के अधिकारी नहीं होंगे। यह इस स्तर तक राज ठाकरे चले गए थे कि नगर निगम में प्रस्ताव पास करवा दिया था। ठीक है, राज ठाकरे को बाद में लगा कि उनकी राजनीति के लिए यह सूट नहीं करेगा, भविष्य की राजनीति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा या दूसरे दलों से जुड़ना पड़ेगा, तो यह सिर्फ उत्तर भारत के खिलाफ हमलावर होकर काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने उसको लगभग बंद कर दिया और अब दूसरे दलों के साथ राजनीति में अपना भविष्य तलाश है। तो उनकी एक राजनीति का हथकंडा था। देखिए, जहाँ तक हिमाचल की बात है, तो विक्रमादित्य की राजनीति और विक्रमादित्य की मदर जो है प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी राजनीति हिमाचल में सुक्कू के साथ जो मुख्यमंत्री, उनके साथ सरकार बनने से पहले किस तरह की रही है, और जिस तरीके से सुक्कू को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनने की दावेदार थी। विक्रमादित्य को यह कहीं ना कहीं लग रहा था कि जिस उनकी माँ ज़्यादा प्रतिभावान है सुक्कू से, उन्हें नज़रअंदाज करके सुक्कू को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो माँ और बेटे के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी रही थी किसी चीज़ को लेकर। राम मंदिर का जब भूमि पूजन था, उस समय जब जिस तरीके से विक्रमादित्य का बयान आया कि मैं दर्शन करने जाऊँगा, वो दर्शन करने गए, उनके बयान पार्टी लाइन से हट कर रहे। एक बार ये भी आया था कि भाई इस बात की पूरी संभावना है कि वो पार्टी छोड़ रहे, दिल्ली में आ गए थे, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो किसी तरह के पार्टी के साथ बने रहे। फिर मंडी से पार्टी ने चुनाव दिया, वो लोकसभा चुनाव कंगना रानावत के खिलाफ हार गए। जब हार गए तो उन्हें लगा कि अब उनके पास बहुत राजनीतिक पूंजी ज़्यादा बची रही, तो फिलहाल वो पार्टी लाइन में चले। लेकिन ये जब अब ये मंत्रालय, तो उन्हीं का जो आदेश हुआ, उन्हीं के मंत्रालय में आदेश हुआ है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनका ये आकलन है कि भाई लोग लाइसेंस अपने नाम से लेते हैं, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस दुकान चलाने के लिए दे देते हैं। हो सकता है कि हिंदू ने लाइसेंस लिया और किसी मुसलमान को चलाने के दिया हो, तो मालूम पड़ना चाहिए कि वो दुकान जो है वो चला कौन रहा है। उससे आदमी को पता पड़ेगा कि भाई दुकान का असली मालिक कौन है और चला इसे कौन रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई भी गलत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, उसी तरीके से हिमाचल में लागू करने जा रहा है। और हेमंत विश्व शर्मा तो कह ही चुके हैं, अभी उनका परसों का बयान था कि अगर हम लौटकर, अगर झारखंड में सप्रभारी, उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में किया है वो हम झारखंड में भी लागू करेंगे, कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा घुसपैठी आ गए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में सब होगा। और अभी तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का कल बयान भी आया था कि बैंड बाजा वाले जो है उन्हें भी अपने नाम का जिक्र करना चाहिए, तो बैंड बाजा वालों तक बात चली गई। ये तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिए, ये राजनीतिक दल का जिसके अंदर जो सूट करेगा, जिससे राजनीतिक दल को वोट ज़्यादा मिलेंगे, राजनीतिक दल वो हथकंडे अपनाते हैं, उस मुद्दे बनाते हैं। राजनीतिक दल को वोट करना है, वोट लेके सरकार बनाना और सत्ता में आना है। तो सत्ता में आने में अगर लगता है कि इस मुद्दे से जनता आंदोलित होती है, आक्रोशित होती है और जनता उसको समर्थन देती है और उनका वोट बढ़ेगा, तो वो उस मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस का समस्या यह है कि हिमाचल के अंदर मुस्लिम इतने वोटर्स नहीं है कि कांग्रेस के लिए वो एक तरफा वोटिंग कर सके। तो हिमाचल की जो देवभूमि है, वहां पर उन्हें अपनी सरकार भी बचा के रखना है, वहां के लोगों को भी नाराज नहीं करना है और पूरे देश के अंदर भी मैसेज देना है, क्लियर करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये हिमाचल से पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। तो मुझे लगता है इसीलिए विक्रमादित्य को बुलाकर के सी वेणुगोपाल ने कहा होगा कि भाई हम हिमाचल के कारण पूरे देश से अपना वोट बैंक पैसा नहीं डाल सकते, चर्चा भी होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया था वो अच्छा निर्णय था, इसे लागू होना चाहिए था। अगर कोई नाम लगा देते हैं और जानकारी आ जाती है, उसमें गलत क्या है? इसमें ऐसा तो नहीं है किसी मुसलमान को ही लगाना है, जिसकी भी दुकान उसको लगाना पड़ेगा, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान रूप से लागू है। तो मुझे लगा इसे लागू कर देना चाहिए था। जिस तरीके से इसके पीछे राजनीति शुरू हो गई, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर जब हिमाचल पे चली गई है और अब अगला पड़ाव उसका आसाम है और उसके बाद झारखंड उसका पड़ाव बनने वाला है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अजीत पवार का भी इस बात लेकर, महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी अजीत पवार का बयान आया था कि इस तरह की जो चर्चा हो रही है, हम सरकार में लौटेंगे तो हम विचार करेंगे कि महाराष्ट्र में इस तरह की घोषणाएं की जा सकती कि नहीं
देखी जा सकती है। तो महाराष्ट्र की सरकार भी इस तरीके से विचार कर रही है कि आने के हम इसको लागू करेंगे कि नहीं करूंगे। तो मुझे लग रहा आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था लागू होगी। जब सभी राज्य अपने हिसाब से लागू करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम केंद्र सरकार को लेकर आ जाना चाहिए। जब सब राज्य लाए इससे बेहतर है कि केंद्र सरकार एक यूनिफॉर्म इस चीजों को लेकर आए और सभी राज्यों से माने, वरना ये सभी राज्यों के अंदर शुरू होने वाला है। अब ये सिर्फ हिमाचल और दो राज्य तक यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बाकी राज्यों में भी ये बात मांग पकड़ेगी और मुझे लग रहा है ये लागू होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।